नमस्कार, एमपी लाइव आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान अत्यधिक निर्वाचन व्यय धनराशि का नगद और अन्य रीति से वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर उड़न दस्तों, स्टेटिस्टिक्स सर्विलेंस टीम, एसएसटी और चेक पोस्ट द्वारा निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से 3 से 4 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। उड़न दस्ते आदर्श आचरण संहिता और उसके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मतदाता रिश्वत देने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में नकदी और अस्त्र, गोला बारूद, शराब, समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही, निर्वाचकों की भयभीत करने, धमकी देने आदि की शिकायतों पर उड़न दस्तों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिलों में मानव श्रृंखला, बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, कैंडल मार्च, साइकिल रैली की जा रही है। प्रदेश के जिलों में मतदाताओं को 25 नवंबर को आवश्यक रूप से मतदान करने के लिए पेट्रोल पंप, रसोई गैस की पर्चियां, हॉस्पिटल के कैश मेमो, अन्य व्यावसायिक बिलों में संदेश प्रिंट करवाया गया है। आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 17 जागरूकता प्रेक्षक भी नियुक्त किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी करवाए जाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार की अवधि, मतदान दिवस और मतगणना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के रैंडमाइजेशन, नामांकन प्रक्रिया, मतदान दलों का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, निगरानी टीम और उड़न दस्तों द्वारा कार्रवाई, क्रिटिकल पोलिंग बूथ के साथ साथ विशिष्ट कार्यक्रमों और घटनाओं की वीडियोग्राफी करवाए जाने के लिए कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी जिनकी फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं होगी या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर से लागू आदर्श आचरण संहिता के बाद इसके उल्लंघन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को 512 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राजनीतिक दल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ शिकायतों को मार्गदर्शन और निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। अधिकांश शिकायतों पर संबंधित जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगकर उनका निराकरण करवाया गया है। कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर कार्रवाई की गई है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।